नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी के बाद नीति आयोग की अहम बैठक आज। नामी अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे मंथन। आयोग पेश करेगा 15 साल का रोड मैप। नोटबंदी के खिलाफ आज होने वाली बैठक से पहले ही बिखरा विपक्ष। लेफ्ट, जेडीयू और एसपी ने बैठक से किया किनारा। पीएम से अकेले राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर नाराज है विपक्ष। कालेधन को लेकर बीएसपी और भाई आनंद कुमार पर लगे आरोपों पर आज सफाई देंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। ईडी ने आनंद कुमार के खाते में 1,43,00,000 और बीएसपी को 104,36,00,000 के चंदे का किया था खुलासा। नोटबंदी पर मोदी सरकार उठा सकती है एक और सख्त कदम। 30 दिसंबर के बाद 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर लग सकता है 50,000 तक का जुर्माना। अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। बाल बाल बची 161 जिंदगियां। गोवा एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के दौरान रनवे पर फिसला जेट एयरवेज का विमान। 15 यात्रियों को लगी मामूली चोट। इस्लामिक स्टेट द्वारा अगवा किए गए केरल के फादर टॉम ने की रिहाई की अपील। वीडियो संदेश के जरिए भारत सरकार और पोप फ्रांसिस से लगाई गुहार। कहा, आतंकवादियों से बचाए जान। मार्च में यमन से किए गए थे अगवा। और पूरे वनडे मैचों की सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को झटका। अक्षर पटेल और जयंत यादव इंग्लैंड सीरीज से हुए बाहर। चोट के चलते बाहर हुए दोनों खिलाड़ी। 15 जनवरी से पुणे में शुरू होगी सीरीज। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।